बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हम पहले इसके एक छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं नंबर्स के, हम लोग किस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे 24 है हमारे पास, 24 के फैक्टर बन जाएंगे 6 और 4। 6, 4 से 24, वापस हमारे पास वही चीज़ आ रही है। 6 के फैक्टर भी हम बना सकते हैं 2, 3, और 4 के फैक्टर बन जाएंगे 2 और 2। 2, 2 से 4, 2, 3 से 6, इस तरह से ये हमने 4 फैक्टर बना दिए। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर सेम ही आ गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर है अगर हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर बनेंगे एक्स एंड एक्स, मीन्स एक्स की पावर 1+1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यही चीज़ हमें अपने यहाँ पर एक्सप्रेशन में देखनी है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि हम यहाँ से किस तरह से इसके प्रोडक्ट और फैक्टर्स बना सकते हैं। इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन है 3t2n-6 t2n-3 + 9 t2n-5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3t2n-6 t2n मल्टीप्लाई बाय t-3 + 9 t2n मल्टीप्लाई बाय t-5। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3, 6, 9, तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। t2n तीनों टर्म्स में मौजूद है तो हम t2n भी कॉमन ले सकते हैं। जब ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली तो अब इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड टर्म में हमारे पास 2t2n मल्टीप्लाई बाय t-3, 3, 2 से 6, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, t2n यहाँ पे हमारे पास है तो हम यहाँ पर लिख देंगे t-3। 9 किस तरह से आएगा, 3, 3 से 9, t2n यहाँ पर ऑलरेडी है और बाकी बच रहा है t-5। t2n 1-, अगर हम इसे यूँ लिखते हैं t upon t cubed + 3 upon t raised power 5, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये इसके फैक्टर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3a+3 whole square x-2 + 6a+3 x-2। अब ये a प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x-2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से a+3 और x-2 कॉमन ले सकते हैं। 3 और 6 है हमारे पास, तो ये 3 के वेरिएबल्स हैं, सॉरी 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3a+3 x-2 यहाँ से 1+3, 2, 3 से 6, तो यहाँ पे +2 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ से x-2। a+3 एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a+3 एंड +2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, +++2x + --2 2 जो 4, ब्रैकेट क्लोज, a+3 x-2, इसको अरेंज कर लेते हैं, a+2x + 3 है और -4 है, तो साइन आएगी हमारे पास ग्रेटर नंबर की माइनस की,
और 4 में से 3 माइनस किया तो 1। ये हमारे पास इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें ए बी प्लस सी डी इसका स्क्वायर है माइनस ए सी माइनस बी डी इसका भी स्क्वायर है। अब दोनों के स्क्वायर है हमारे पास, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे ए के इक्वल ले लें और इसको बी के इक्वल ले लें तो ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये हमने सपोज किया ए है और ये हमारे पास बी है, ये फार्मूला। अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी प्लस सी डी प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ए सी माइनस बी डी, मल्टीप्लाई होगा फिर ए की वैल्यू के साथ ये वाले ए बी प्लस सी डी और यहाँ पे माइनस के साइन, फिर हमारे पास आएगा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास ये है ए सी माइनस बी डी। ए बी प्लस सी डी एज इट इज लिखेंगे, सी ए सी माइनस बी डी, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ए बी प्लस सी डी माइनस के साइन अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² y³ प्लस 2x⁴ y माइनस 3x³ y² माइनस 3xy⁴। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसमें हमें 2 और xy कॉमन मिल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में 3 और एक्स वाई कॉमन। 2x एक्स की पावर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो हम छोटी वाली पावर जो है उसको रखेंगे एक्स स्क्वायर, और वाई यहाँ पे क्यूब्ड है और यहाँ 1 है तो वाई 1 आ जाएगा। अब बाकी क्या चीज़ यहाँ पे बच रही है, वाई स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और y ऑलरेडी है ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3x x की पावर 1 y की पावर होगी 2 और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब सेम हमारे पास आ रहे हैं ये ब्रैकेट, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास बनेगा 2x² y माइनस 3xy². अब इसमें अगर हम देखें तो हमें एक्स वाई कॉमन मिल रहा है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पे एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा हमें और अंतर आएगा 2x माइनस 3, एक वाई है हमारे पास दूसरा वाई यहाँ से आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं एक्स वाई 2x माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ए क्यूब्ड बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब्ड सी प्लस ए बी रेज पावर फोर सी प्लस ए रेज पावर फोर बी सी। अच्छा, इनमें से हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर बी सी यहाँ पर है, ए बी स्क्वायर और सी यहाँ पर है प्लस ए हमारे पास यहाँ पर है, बी की पावर कितनी हो जाएगी, थ्री, सी ऑलरेडी है प्लस ए की पावर थ्री, बी और सी यहाँ मौजूद। अब देखें ए बी सी हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसमें इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ए की पावर थ्री प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी की पावर थ्री प्लस ए स्क्वायर बी। अब इन दोनों में से हम ए कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से इन दोनों में से बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी एज इट इज़ लिखेंगे। ए हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा बी और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सेम आ रहे हैं ब्रैकेट तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं, ए बी सी ए प्लस बी ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही आसान है, ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एम पी क्यू प्लस क्यू आर। इसमें पी क्यू तीनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर और एन को मिला के एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। अब इसमें से हम क्यू कॉमन ले सकते हैं, पी प्लस आर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन।